हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है राजमा चावल बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजमा चावल बनाना। राजमा बनाने के लिए ये हमने 1 गिलास राजमा लिया है। इसको हमने धो के अच्छे से भिगो दिया है और 4 हमने बड़े टमाटर लिए हैं, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी मिक्सी में पीस लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 5 हमने हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। ये 2 मोटी इलायची और थोड़ी सी हींग ली है हमने। 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। तो आइए बनाते हैं राजमा। ये हमने कुकर लिया है, हम राजमा को उबालेंगे नहीं, हम सीधा डायरेक्ट ही छोंक देंगे राजमा को। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये 2 मोटी इलायची और ये 1 चुटकी भर हींग डाल दूंगी। साथ ही मैं ये 1/4 चम्मच जीरा डाल दूंगी। इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का चॉप किया हुआ डाल दूंगी। अरे, लहसुन हरी मिर्च भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से भून लूंगी। और ये हमारे प्याज भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये पिसे हुए टमाटर डाल दूंगी। साथ ही ये मसाले डाल देती हूँ मैं इसमें। और इसे 1 मिनट के लिए भूनने देती हूँ, जब तक ये हमारा मसाला भूनता है। और ये हमने 1 गिलास चावल लिए हैं, इस चावल को मैं भिगो देती हूँ। और ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं ये राजमा इसमें डाल दूंगी और राजमा का पहले मैं पानी निकाल लेती हूँ। अब मैं ये राजमा इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें अब पानी डाल देती हूँ। मैंने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इस राजमा के अंदर 1/2 चम्मच चीनी डालूंगी, इससे हमारे राजमा का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और इसमें 6 से 7 विसल आने तक का इंतजार करेंगे। और इधर मैंने ये चावल बॉईल करने के लिए पानी को गैस पे रख दिया है और ये हमारा पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी और चावल को मैं उबलने देती हूँ। इधर हमारे कुकर में 6 से 7 विसल आ चुकी हैं, गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और इधर हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं और इसमें हल्की सी कसर बाकी है, मैं इन्हें भी थोड़ा सा और उबलने देती हूँ। और ये हमारे राजमा बन चुके हैं, गैस को मैं बंद कर दूंगी राजमा की और स्टीम निकलने तक का इंतजार करूंगी। और इधर हमारे चावल ये उबल चुके हैं, गैस को मैं बंद कर देती हूँ और चावल का पानी निकाल लेती हूँ मैं। और चावल का पानी मैंने निकाल दिया है और इसे मैं ढक के रख दूंगी। और चावल और ये हमारी कुकर की विशल निकल चुकी है। अब मैं कुकर को खोलूंगी और ये हमारे राजमा अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हमारे राजमा की। अब मैं राजमा चावल को 1 प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारे राजमा चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।